अमेरिका और मैक्सिको के बीच 25 साल पुराने उत्तर अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता नाफ्टा को लेकर नया समझौता करने का दबाव बढ़ाने के बाद दोनों देशों के बीच आपसी सहमति बन चुकी है। इस समझौते के प्रमुख आलोचकों में शामिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को इस मुद्दे पर बड़ी सफलता मिलने की बात कही। हालांकि समझौते के नए स्वरूप जिस पर अमेरिका और मैक्सिको सहमत हुए हैं उस पर अब तक कनाडा का रुख साफ नहीं हुआ है, जबकि वो भी समझौते का एक हिस्सा है। नाफ्टा से बाहर निकलने की धमकी देने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप बीते एक साल से इस मुद्दे पर चर्चाएं कर रहे थे। ट्रंप ने समझौते को नए सिरे से करने की मांग उठाई थी। ट्रंप ने अमेरिका के मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र और खासकर ऑटोमोबाइल क्षेत्र की नौकरियों में कमी के लिए पुराने समझौतों को जिम्मेदार ठहराया था, लेकिन इस समझौते पर नई सहमति बनने की खबर सामने आने के बाद अमेरिकी शेयर और मेक्सिको की मुद्रा मजबूत हुई थी। ट्रंप ने नए समझौते के बारे में बताते हुए टीवी पर प्रसारित अपने भाषण में कहा कि अमेरिका और मेक्सिको के बीच जिन शर्तों पर सहमति बनी है उसके बाद ये एक बहुत ही बढ़िया समझौता हो चुका है, जो कि सबके लिए पहले से ज्यादा समान रूप से हितकारी होगा। इसके अलावा ट्रंप ने कनाडा को निर्यात होने वाली कारों पर शुल्क लगाने की बात कहकर कनाडा को चेतावनी भी दी है। टीम न्यूज़ नाउ।